हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। सो आज हम क्लास फिफ्थ लेसन टू फेस द प्रॉब्लम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस लेसन का हिंदी में ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, तो आप आई बटन को क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। सो यहाँ पर वर्ड दिया गया है और उसकी मीनिंग दी गई। तो पहला शब्द है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है वॉर्म या डैम। ओके, चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स साउंड मेक बाय मंकीज। ओके, डिवोटी, डिवोटी मतलब होता है वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है, स्नैच, स्नैच मीन्स टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली। ओके, पीस मीन्स होता है स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके अपोजिट वर्ड लिखने, मतलब उल्टे शब्द, विलोम शब्द। तो टेक का गिव, आउट का इन, हाई का लो, फाउंड का लॉस, नेवर का एवर, हॉट का कोल्ड, नाउ का देन, बिफोर का आफ्टर, फॉरवर्ड का बैकवर्ड एंड प्लीजेंट का अनप्लीजेंट। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक, किसी एक को चूज करना है। और उसके पहले जो है क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो मैंने पहले से ही चैनल में अपलोड कर दी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका नरेंद्र वॉज ब्लैंक। तो नरेंद्र क्या कर रहा था? वॉकिंग अलोंग द घाट्स, क्योंकि हमने लेसन में अच्छे से पढ़ा है इसको। द मंकीज वर नॉट ब्लैंक ऑन द घाट। मंकी जो हैं वो घाट पर क्या नहीं कर रहे थे? जंपिंग, कूद रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे, चैटरिंग भी कर रहे थे, ओनली वो सो नहीं रहे थे। तो इसका आंसर क्या है? स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। ठीक है, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, किसके नाम से जाने गए थे नरेंद्र? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू लेसन, जो अपन ने लेसन पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो उसमें मैंने नंबरिंग डाल दी है, जैसे पहला जो है थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। फिर नेक्स्ट आएगा आपका द मंकीज चेस्ड नरेंद्र। फिर थर्ड नंबर पे नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। फोर्थ नंबर पे द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज। और फिफ्थ नंबर पे आएगा द मंकीज रेन अवे इन फियर। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। आपको जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, सिंगुलर में आपको गर्ल है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, बेबी का बेबीज, बॉय का बॉयज, बस का बसेस, मंकी का मंकीज, वाइफ का वाइफ्स। अब देखो, आपको इसमें देखो गर्ल में तो गर्ल का पूरा लिखा हमने और एस लगा दिया, बेबी में यहाँ पर बाय अलग हो गया, आई ई एस लगाया तो इसका बेबीज हो गया, बस में बी यू एस ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाया। ठीक है, मंकी में भी एस लगाया और वाइफ में क्या कर दिया, डब्ल्यू आई वी ई एस लगाया, मतलब एफ ई को अलग करके वी ई एस लगाया। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ नियम। नियम तो इसमें ऐसे कुछ खास दिए नहीं हैं, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम तो चैनल पर बने रहें, मुझे कमेंट में लिखकर कहें कि कौन कौन सिंगुलर से प्लूरल के नियम को अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बना दूंगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। तो इसमें कुछ नाउन दिए गए हैं, उसको आपको मन से इसके प्लूरल बनाने हैं। तो जब तक आपको नियम नहीं पता होगा, जब तक आप इनके प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है? तो वर्ड का वर्ड्स, बेंचेस बेंच का बेंचेस, ई एस लगाया इसमें, डंकी में एस लगाया, बुश में ई एस लगाया, ठीक है? क्लास में भी ई एस लगाया और नाइफ में एफ ई को हटाकर आई वी एस लगाया, ओके? फिर नेक्स्ट है, नाउ राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउंस। तो आपको क्या करना है, ये प्लूरल दिए गए हैं, इनको हमें सिंगुलर बनाना है। तो चेयर्स का चेयर हो जाएगा, टेबल्स का टेबल हो जाएगा, एस हट जाएगा, कीस का भी की हो जाएगा, टीथ का टूथ होगा, ठीक है? ये भी एक नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है? अब वो नेक्स्ट है आपका, लीप्स का लीव होगा और माइस का माउस। ये माइस का माउस कैसे हुआ, ये भी एक नियम है, ठीक है? तो आप इस, मैं नियम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको रूल्स पता नहीं होंगे ना, इंग्लिश में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। अब यही तो आपने देखा कि माउस का जो प्लूरल है वो माइस होता है, ठीक है? टूथ का जो प्लूरल है वो टीथ होता है। ये क्या आपको बिना पढ़े आपको समझ में आएगा? तो इसलिए नियम जरूरी हैं, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, उनको उनका सही यूज करना है आपको, ठीक है? तो पहला है आपका, अ ब्लैंक इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। तो मंकी आएगा कि मंकीस आएगा, तो यहाँ पर इज है, इज जो है सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हमने मंकी लगाया यहाँ पर, ठीक है? देयर वर जो है प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कहाँ पे आ गया, ट्रीज। यहाँ पे द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक, नॉट गर्ल्स, ओके? यहाँ पर गर्ल आएगा, और यहाँ पर मैन आएगा, और यहाँ पर डॉग आएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स टॉक, रीड द सेंटेंस केयरफुली। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, ओके? पहला जो सेंटेंस है, देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, इसका क्या अर्थ हुआ कि क्लास में केवल एक ब्लैक बोर्ड है। ओनली वन मीन्स क्या होता है, केवल एक। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, इस रूम में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, ठीक है? नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न। ऊपर जो पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं, अ टेबल, बुक्स, काउस, अ हॉर्स, अ पैरट इन द रूम ऑन द टेबल, जी सब, इन द सैड एंड द स्टेबल एंड इन द केस, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूछना है। तो यहाँ पर इसी के से संबंधित कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आप इनको आप देख सकते हो, समझ भी सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्या है, देयर इज ओनली वन टेबल इन द रूम, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर मैनी काउस इन द सैड। नेक्स्ट इज, देयर इज ओनली वन हॉर्स इन द स्टेबल, एंड देयर इज ओनली वन पैरट इन द केज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनके आंसर को लिखना है। तो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं पैराग्राफ को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर की ओर। तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, वो भी नेक्स्ट पेज में दिखेंगे आपको। आपको ये पांच क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आप इन्हें पॉज करके, वीडियो को पॉज करके
लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स राइट। अब हमें लिखना है तो राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। वन इज डन फॉर यू। पहला आपको दिया गया है देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, और जो 3 4 सेंटेंस हैं वो मैंने पहले से ही लिख दिए हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का यूज़ करके आपको इस एप्लीकेशन को पूरा करना है। तो ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को भी याद कर लेना। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल सुभाष स्कूल भोपाल, फिर नाउन एप्लीकेशन फॉर लीव, सर या मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव। ठीक है, थैंकिंग यू, यू आर ट्रूली, और इसमें नाम लिखा है मनीषा का, आपका नाम जो है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।